हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो चलिए आज बनाते हैं इंस्टेंट भटूरे। तो 2 कप मैदा लिया हमने, उसमें 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच चीनी डाला और आधी छोटी चम्मच डाला हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। जी हाँ गाइस, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे डाली है तभी हमारे भटूरे इंस्टेंट फूले फूले बनेंगे। और 1 चम्मच डाल दिया हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल या घी बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। और जब ये मिक्स हो जाए ना, तो आधी कटोरी आप इसके अंदर डाल दीजिए दही। दही से क्या होगा ना, ये फर्मेंट अच्छे से हो जाएगा और आपके भटूरे काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। और इसके बाद क्या करना है आपको, थोड़ा सा पानी लेना है। मैंने दही वाली कटोरी में ही जो लगा हुआ था उसी में पानी डाल के लिया है। और एक सॉफ्ट सा डो बना के रेडी करना है। और जब आपका डो अच्छे से बन जाए तो इसको सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए आप रख दीजिए और उसके बाद निकालिए और एक बार और मसल लीजिए। और जब मसल लेंगे ना, तब हमें क्या करना है, इसके पेड़े बनाने। पेड़े आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बड़े या छोटे बना सकते हैं। तो क्या करना है आपको, जब पेड़े आप साइड में बना के रख लेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे इसको बेलने की तैयारी। तो बेलने के लिए आप किसी भी चकले पे या किसी फ्लैट सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगाइए। और क्योंकि जो डो है ना हमारा, वो बहुत सॉफ्ट गुंदा हुआ है, तो हम इस तरीके से उंगलियों से ना इसको प्रेस करेंगे तो ईजीली ये स्प्रेड हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि कैसे फैल गया ये। और अब यहाँ पर लिया है हमने ये ग्रेटेड पनीर, अच्छे से हमने इसको ग्रेट कर लिया था और बीच में हम इसको रख देंगे। और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे पनीर के ऊपर से थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। और उसके बाद जो हमने लोई बनाई थी पेड़े को, उसको सील कर देंगे, अच्छे से चिपका देंगे ताकि जो पनीर है वो बाहर ना आ पाए। तो ये देखिए, और उसको अच्छे से सील पैक करके साइड रख देते। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ऑयल लगाना है और सेम वही प्रोसेस करना है, हाथों से इस तरीके से फैलाइए। आप चाहें तो यहाँ पे बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा पनीर लेना है और भर देना है। और उसके बाद जब आप पनीर भर लेना, उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। बेलते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आप इसके अंदर मत डालिएगा, वरना जो पनीर है वो बाहर आ जाएगा और सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा जब आप उसे फ्राई करेंगे। और साइड बाई साइड हमने तेल भी रख दिया था गर्म करने के लिए, और जो तेल है वो हमारा मीडियम हाई है। और उसके बाद हमने ये जो पूरी है, यानी आपका जो भटूरा है पनीर वाला, वो इसके अंदर डाल दिया और इसे फ्राई करना है। और जब आप फ्राई करेंगे तो कैसे करेंगे, हल्का हल्का जब ये होने लग जाए ना, तो साइड से इस तरीके से ऑयल उठा के उसके ऊपर डालिए ताकि जो उसकी कुकिंग है ना भटूरे की, वो नीचे के साथ साथ ऊपर से भी हो जाएगी, तो ये फूल जाएगा, वरना जो आपका भटूरा है वो पिचका पिचका सा बनेगा। और ये देखिए, बन के रेडी है बिल्कुल गोल्डन आपका पनीर का भटूरा। तो इस तरीके से आप अपने भटूरे बना के रेडी कर सकते हैं और इसको सर्व करेंगे आप छोलों के साथ। और साथ ही आप उसके साथ रख दीजिए थोड़ा सा सैलेड में प्याज, चुकंदर या जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल है सैलेड में, वो आप रख सकते हैं। और अचार ज़रूर रखिएगा। और वैसे अगर बच्चों को देना चाहें तो आप पनीर के भटूरे तो बिना सब्जी के भी ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए, पनीर जो है अंदर तक भरा हुआ है और इसने ज़्यादा एक्सेस ऑयल भी नहीं पिया है। तो गाइस, अगर छोले की वीडियो आपको चाहिए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे है इसकी वीडियो, तो होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और गर्मा गर्म छोले भटूरे इंजॉय करें।